ये मतलब बेसिकली जो है दौड़ है या बस ऐसे राइड, राइड शॉर्ट राइड, शॉर्ट राइड है। तो बुगरासी से बसी, बुगरासी टू भड़गांव, भड़गांव टू बसी, बसी तो बढ़िया राइड रहेगा। और पूरा ऑफ रोड ट्रैक है। अच्छा, पूरा ऑफ रोड, ऑफ रोड पे तो जा रहे हैं। तो ऑफ रोड पे कैसे, मतलब मतलब मिट्टी या वैसे कोई चक्रोड उसके ऊपर चलना, चक्रोड चक्रोड। अच्छा, मतलब आपको जो है मेन जो रोड है उसे अवॉइड करके चलना है। वो तो मैं समझ गया, साइड में ही चलेंगे वो तो ऑब्वियसली, रोड पे तो होगा ये भी है ना, भी होता है। बढ़िया, माशाल्लाह से बहुत बढ़िया। तो कादिर जो है बहुत माशाल्लाह से टैलेंटेड बंदा है, और मैं अभी बता रहा था बैडमिंटन भी खेला हमारे साथ, वॉलीबॉल भी खेला, क्रिकेट नहीं खेला शायद कादिर। क्रिकेट बहुत एक अरसा हो गया। अच्छा अच्छा, क्रिकेट तो क्रिकेट में टॉस करते होगे तुम? नहीं, असल में मेरे शोल्डर में प्रॉब्लम थी, डिसलोकेट हो जाता। अच्छा अच्छा, तो मैंने छोड़ दिया। अच्छा अच्छा, तो बैडमिंटन अगर खेलना है तो आओ, बैडमिंटन अब तो लगातार चल रहा है। आसिफ भाई मिले थे, कह रहे थे बहुत बढ़िया बैडमिंटन चल रहा है। और देखो माशाल्लाह से बब्बू भाई, ज़रा मैं ये चाहूँगा आप पूरा 360 ये कैमरे को घुमाइए, क्योंकि इससे पहले बहुत मौसम जो है बहुत वो हुई थी, बहुत अच्छी धूप निकल गई। देखो ये हमारा खाबर, अब आ जाओ खाबर भाई। आखिर में जो काम होता है वो किसी भी शादीशुदा आदमी का वो ये होता है कि बच्चे रखाने किसी भी शादी में। अब ये सभी आ गई है तो मैं इसलिए वो हटाऊँगा। और सलाम, खैरियत, बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। और ये हाजी जी अब अपना माहौल बना लिया इन्होंने अलग ही। देखो एक पठान को अपना माहौल बनाने के लिए सिर्फ एक मोड़ा चाहिए होता है, और देखो मोड़ा इन्हें मिल चुका है, और माशाल्लाह से हाजी जी ने अपना माहौल बना लिया है। मौसम शानदार हो गया भाई, अब मज़ा आ रहा है, अब तो सनबर्न हो जाना चाहिए जो होता है ना। देखिए ये नौशमिया है शाहनवाज भाई, लाइव मैंने बना दिया है शाहनवाज भाई, अब मैं एक वीडियो यूट्यूब के लिए बना रहा हूँ। और आपके देखो हमारे भांजे वगैरह लोग बैठे हैं सारे। ये भाई, भाई तो अलीगढ़ से है ना उस दिन? जी मैं मेरठ से। अच्छा मेरठ से, माशाल्लाह। दिल्ली से हैं बल्कि, और आपके चलते हैं तुर्की से हैं ये। अच्छा टर्की, टर्की रहते हैं? अच्छा अच्छा, टर्की रहते हैं या टर्की से पुराने? टर्की रहते हैं ये, डॉक्टर जावेद अफर हैं। अच्छा अच्छा, आर्किटेक्ट हैं। अच्छा मैं आपसे एक बात पूछ रहा था, क्या डॉक्टर साहब के हमारे यहाँ भी कुछ लड़के जो हैं वो टर्की में चाह रहे हैं माइग्रेट करना? हाँ बिल्कुल। तो क्या टर्की में खाना और रहने? बिल्कुल, ये तो नहीं नहीं, वो तो बहुत अच्छा है, वहाँ पे पूरा मुस्लिम कल्चर है, खाना पीना कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा अच्छा, किसी भी तरह की, बिल्कुल जैसा लगेगा जैसे कि बहुत अच्छा मुस्लिम माशरा है आपका। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया, मैं अभी आपसे बात करूँगा ऑफलाइन। ये देखिए आप, ऑफलाइन अभी बात करूँगा आपसे। ये देखिए आप माशाल्लाह से, ये अनंत भाई का बेटा है, ये जो है सवाद भाई का छोटा वाला बेटा है, और ये खुर्रम भाई का छोटा, तीनों छोटे हैं, और ये चौथा किसका छोटा है? ये शुएब भाई का, नहीं सलमान भाई का। क्या दादा भाई लाइव है क्या? ना वीडियो डाल रहा हूँ एक बना के जी। अच्छा 60 में कैसे होगा बताओ? अच्छा 0.6 ये? नहीं 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 नहीं, इससे तो बड़ा हो जाएगा आपकी डिस्प्ले। अब तो ओहो, आपने स्टार्ट कर रखी है शुरू से। हाँ हाँ हाँ, अभी अभी पूछ के अभी करूँगा, आ रहा हूँ मैं। देखिए आप इरफान भाई जा रहे हैं, बेहतरीन प्रोग्राम इरफान भाई हैं। देखिए खाने के बारे में मैं सच बता रहा हूँ आपको, जो टेस्ट के बारे में जितनी नॉलेज इरफान भाई को है बाराबस्ती में, एक एक पॉइंट बता देते हैं खाने के बारे में माशाल्लाह से। और इस चीज़ का मैं इरफान भाई से जिक्र कर रहा था, जो बड़े शेफ़ होते हैं ना, टेस्ट करने की बहुत बहुत उनकी फीस होती है, कि टेस्ट करके बताते हैं कि भाई ये खाना जो है इसमें ये कमी है या ये ज़्यादती है। खाना माशाल्लाह बढ़िया रहा, इंतज़ाम भी अच्छा रहा, सर्विस भी सही रही,
लेकिन ये था चिकन थोड़ा सा अच्छा अच्छा ये भी था बड़ा साइज अच्छा 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 वो तो चलिए टेक्निकल वहाँ से लेकिन खाना ऑल बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह से। चाचा आपको कैसा लगा खाना? बहुत ही शानदार क्या कहने चाचा मास थोड़ा सा तो आपकी गैदरिंग माशाल्लाह कैसी रही? ज़्यादा बहुत अच्छी रही और सबसे बेहतरीन प्रोग्राम में चार चांद मेरा बैदुल्ला लगा था। अच्छा बैद रहमान खान साहब तुम तो हासिल महफिल हो जी जी चाचा ये आपकी मोहब्बत की बात है माशाल्लाह से हकीकत बात है मेरी आदत नहीं है वाकई में हमारे दम से सारे रौनक हैं और तुम हाईलाइट करते रहते हो जी जी चाचा ओवरऑल गैदरिंग भी बहुत बढ़िया रही लोग बड़े लोग सिलेक्टेड लोग थे माशाल्लाह जी जी और यही होता है कि लोगों से मुलाकातें हो जाती हैं ऐसे फंक्शंस में और अब चाचा वेदर भी बहुत बेहतरीन हो गया माशाल्लाह हाँ प्रेजेंट वेदर चाचा बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के साथ में बहुत जी श्योर 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 चाचा ये देखिए कारी साहब हैं अभी इन्होंने दो ओवर में जो है गढ़ के अंदर दो ओवर के अंदर 40-42 रन की ज़रूरत थी जी हाँ वीडियो बना रहा हूँ उसके लिए उबैद लाइव चैनल है मेरा यूट्यूब तो उसके लिए तो दो ओवरों में 42 रन की ज़रूरत थी तो इन्होंने कितनी बॉलों में बनाए कारी हारून 10-11 बॉलों में इन्होंने माशाल्लाह से 42 रन बनाए इन्होंने हाँ अभी इनके बॉल भी जो चश्मा लगा हुआ है आँख पर बॉल लग गई थी और इससे थोड़ा सा अब सही है बेहतर है काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बैटर है बहुत अच्छी बैटिंग करता है ये और बहुत अपना नेट वेट भी लगा रखा है प्रैक्टिस करने के लिए माशाल्लाह से बहुत बहुत मैं तो ये कह रहा हूँ अपने यहाँ से लड़के निकलने चाहिए आगे टीम में ये रकी भाई के बेटे हैं माशाल्लाह से ये ज़बरदस्त रकी भाई हाँ ये प्रोग्राम यहाँ करता हूँ जनरल अंसारी नाम है मेरा मैं 3-3 हज़ार का प्रोग्राम करता हूँ यहाँ पर भाई से मिल जाऊँगा इसमें ये बताना चाहता हूँ कि 3-3, 4-4 हज़ार का प्रोग्राम इसमें करता हूँ और अब ये कोरोना की वजह से 200-300 में अच्छा कोरोना की वजह से बहुत बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ये देखिए हमारे ये हमारे महबूब भाई हैं महबूब असलम खान बहुत भाई से रौनक शख्सियत हैं और जो हैं अयूब भाई और फैजान हाँ बहुत सारे महबूब भाई की अगर प्रोफाइल या पोर्टफोलियो की बात करी जाए तो ये एक्स CBI अफसर भी रह चुके हैं और इसके अलावा मतलब अच्छी अच्छी प्रोफाइल्स पर काम कर चुके हैं सिक्योरिटीज़ में और लड़कों को सिखाने विकाने के लिए बहुत अच्छा हाँ फायर फाइटर्स का भी कर चुके हैं फ़िलहाल जो है अभी इन्होंने बुगरासी जो है वो चेयरमैन पद के प्रत्याशी वैसे इन्होंने सोशल वर्क भी बुगरासी के लिए काफ़ी किया है बुगरासी चेयरमैन पद के लिए इन्होंने अभी जो है आगे अपना नाम बढ़ाया है हाँ और ये अयूब भाई हैं और फैजान खान मेरे साथ बैडमिंटन खेले हैं बहुत छोटे से थे और मैं ख़ास तौर से इमरान और रेहान के साथ खेलता था मैं इमरान अभी डॉक्टर हैं जामिया में ये हमारे फारूक भाई हैं फैजान आप तो जापान रह रहे हैं ना जापान रह रहे हैं और अभी छुट्टी में आए हुए हैं अच्छा अच्छा मैंने ये सुना है फैजान के जापान के अंदर जो मेडिकल है लोग जो हैं मतलब अपॉइंट जापान के अंदर अपॉइंटमेंट लेते हैं जाते हैं और लेकिन वहाँ बॉयल खाते हैं इसलिए वहाँ हार्ट की प्रॉब्लम और ये और प्रॉब्लम्स कम होती हैं और एज भी ज़्यादा होती है क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल सही है रॉ खाते हैं वो लोग रॉ फिश होती है सारी चीज़ें रॉ खाते हैं रॉ वेजिटेबल्स हाँ मतलब लाइक ए बॉयल 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 करते हैं हाँ अच्छा मैंने ये सुना है कि सिगरेट वगैरह भी बहुत पीते हैं मतलब एक शराब बहुत पीते हैं शराब भी पीते हैं सिगरेट तो लेकिन उसके साथ में कुछ कहवा या कुछ गर्म चीज़ कुछ इसका अंदाज़ा नहीं अंदाज़ा अच्छा अच्छा ये फारूक भाई हैं और मैच मशहूर माशाल्लाह से इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है प्रोग्राम जल्दी मशहूर के निगाह में जाएंगे और जहाँ भी इंशाल्लाह होगा अभी गुठली उछाली नहीं गई है
गुठली उछलती है, इधर को जाती है उधर को रिश्ता दे दिया जाता है। ये कादिर साहब है। हाँ बिजली वो गुठली वही आम की वो, और तुम्हारी सही टाइम पर हो गई ना शादी। हाँ सबकी माशाल्लाह से। जी 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 अभी बहुत अच्छी है। डावर भाई कुछ अपील करना चाह रहे हैं डावर का। जी डावर खान, मैं आप लोगों से मैं यही कहना चाहता हूं कि जितने भी बारह बस्ती की आवाम है और बगरासी की आवाम है, उन सबसे मेरी दरख्वास्त ये है कि महबूब असलम खान आने वाले चुनाव के भावी उम्मीदवार हैं। आप लोगों से दरख्वास्त ये है कि अगर आपको अच्छा दबंग चेयरमैन चाहिए तो उसके लिए महबूब असलम खान से बढ़िया कोई शख्स नहीं है। डिजर्विंग कैंडिडेट हैं ये डिज़र्विंग कैंडिडेट हैं, बहुत ज़बरदस्त। इनके अंदर सारी सलाहियतें हैं, बोलने की, बात करने की, बैठने की, उठने की सारी सलाहियत हैं। सो आप लोगों से दरख्वास्त ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट देकर इनको भारी मतों से जिताएं। बेहतरीन बेहतरीन, बहुत बढ़िया। अच्छा अभी जो विधायकी का इलेक्शन होने वाला है उसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट है, इलेक्शन किसका होने वाला है यहाँ पर पूरे उत्तर प्रदेश में? या वो आप इलेक्शन बात करते हैं, अगर सियाने भाई अपने कुछ मैनिफेस्टो सियाने विधानसभा के बारे में बताइए। विधानसभा में टिकट जो मिलेगा वो मिलेगा ठाकुर सुनील सिंह। अच्छा ठाकुर सुनील सिंह टिकट लेकर आएगा और जीत भावी उम्मीदवार नहीं उसके अंदर दिलनवाज का भी नाम है। दिलनवाज खान का दिलनवाज का इतना इम्पैक्ट नहीं है जितना ठाकुर सुनील सिंह का। अच्छा पता सीधा महबूब भाई का था, इसकी देश न दे महबूब भाई हो रविमास रविमाशो। और ये मैं बताऊँ फैजान साहब ने जो है ये जैपनीज में ये इनका बाकायदा मुबारकबाद नहीं, इनको वोट भगा के आप महबूब भाई को जिताइए। ओके तो फिर इस हिसाब से जामानी वोट ही रह जाएंगे। मैंने बहुत जल्दी कनेक्शन जुड़ गया है जापान से। ये भी हो सकता है कि जापान की लड़की यहाँ पर शादी करके आ जाए, ये भी हो सकता है। अच्छा मैंने जो है आज जापानी सुन ली, मैंने जापानी तेल के बारे में बहुत सुना था और जापानी महबूब भाई बात कर रहे हैं। महबूब भाई कुछ अपने मैनिफेस्टो हैं जो चेयरमैन बनने के बाद पूरा करेंगे, तो वो कुछ बताना चाह रहे हैं भाई आप क्या कहते हैं? जैसे वॉक द टॉक, वॉक द टॉक। मैं ये चाहता हूँ जापानी तेल इस्तेमाल नहीं कर रहा हमारे बारह बस्ती में। सुनो यार को लिए कोई एम्पावरमेंट नहीं है, कोई स्टेडियम नहीं है, कहीं खेल जुतवा के वहाँ पर क्रिकेट का टूर्नामेंट करा देते हैं, कहीं कुछ करा देते हैं। मैं चाहता हूँ कि यूथ को एम्पावर करें स्पोर्ट्स में आगे लाएं, तो उसके लिए एक स्टेडियम और एक जो है यूनिसेक्स जिम बेहतरीन, क्योंकि फिटनेस फ्रीक बहुत हैं लोग। हाँ, हाँ, और ये हेल्थ कॉन्शियस भी हो चुके हैं तो उन लोगों के लिए जरूर बेहतरीन बेहतरीन। आप ये बताइए आप बगरासी के सरपंच होने की पूरी उम्मीदवारी जता रहे हैं, आप दिखा रहे हैं आप जिम से ही काम में चलने लगे, बहुत कुछ काम ऐसे होते हैं हमारे पास। लेट मी फिनिश फर्स्ट, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बगरासी में सबसे बड़ी दिक्कत किस बात की है, वो रोजगार की है। आप रोजगार के लिए क्या कर रहे हैं? जिम से काम नहीं, देखिए रोजगार के लिए इंडस्ट्री सेटअप करेंगे इंशाल्लाह। मेरा पहला प्रोग्राम, मेरा अब तो प्रोग्राम यही है, मैं बगरासी में रहूँ और यहाँ की पब्लिक को, मेरे वालिद का भी यही था कि वो चाहते थे कि मैं यहाँ पर आऊँ, यहाँ पर मेहनत की, मैंने मेहनत भी की लोगों के। अच्छा महबूब भाई मैन पावर में तो आपको बहुत एक्सपीरियंस है वैसे, मैन पावर में बहुत एक्सपीरियंस है, मुझे हर पावर में एक्सपीरियंस है। मैन पावर में तो मतलब काम किया है, एक पावर में बोल गए थे नो ये लाइव है। अब रुक जाओ मैं जरा खाने का बनाऊं, अभी मैं खाने के ऊपर आने वाला हूँ। सो महबूब असलम साहब आप ये बताइए मुझे कि आपने कहा मैं इंडस्ट्री सेटअप करूँगा, मगर आपको ये पता होना चाहिए ये जो पट्टी है ये फल पट्टी कहलाती है बारह बस्ती, तो फल पट्टी जहाँ पर होगी वहाँ पर इंडस्ट्री कैसे हो? देखिए यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लग सकती है जिसमें 400-500 लोग काम कर सकते हैं, इसमें लेबर से ले कर और इसमें मैनेजर्स लेवल तक भी हायरिंग हो सकती है। हमारे बगरासी से लोग भाग जाते हैं, आप ये देखिए बगरासी दिल्ली से कितनी दूर है, यहाँ से यूथ जाता है दिल्ली में मारा मारा फिरता, फ्लैट की कमी, इसकी पॉल्यूशन, अगर उन्हें हम यही रोज़गार देंगे इंशाल्लाह। महबूब असलम साहब ने बहुत बढ़िया बात बोली, रोज़गार की बात बोली, ये मेन चीज़ होती है। मगर महबूब असलम साहब ये बताइए पब्लिक जो बगरासी की आवाम है वो न जाने कहाँ, हर जगह ये बात हो रही है कि महबूब साहब के अंदर मुस्तकिल मिजाजी नहीं है,
हम कैसे उनके ऊपर यकीन करेंगे? देखिए आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहता चाहता हूँ कि मेरे बारे में जो अफवाहें फैलाई जाती हैं, लोग अफवाह फैलाते हैं, हाईली एजुकेटेड आदमी हूँ मैं, इन चीज़ों पर मैं तवज्जो नहीं देता, मैं सिर्फ काम के ऊपर तवज्जो देता हूँ। मैंने पहले भी काम करके दिखाया, मैंने 465 राशन कार्ड बनवाए जो उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री में अपना आप एक हिस्ट्री है, आज तक किसी ने 465 राशन कार्ड। महबूब साहब आप ये बताइए, जो टाइम आपको उस टाइम आप बहुत तेज स्पीड में आप काम कर रहे थे, हर किसी के दिल में आपने जगह बना ली थी और आज भी कहीं ना कहीं वो असर है, अभी कहीं भी देखा जाए असर है वो, तो आप ये बताइए वो इतना बड़ा गैप होने की सबसे बड़ी वजह क्या रही है, क्यों आप पीछे हटे? नहीं पीछे हटने की कोई वजह नहीं, उस वक्त मेरा मूड नहीं था कि मैं लड़ूं, मैंने मेरे फादर नहीं, आप देखिए मेरे उस वक्त मेरे सरपरस्त थे, आप मेन बात पर आइए, मेन बात पर आता हूँ, उस वक्त मेरे सरपरस्त थे, उन्होंने मुझे जोर दिया कि नहीं चलो इस बार एक बार ट्राई करने दो, तो मैंने और लोगों को चांस पूरा खुल के बताइए ट्राई, मेरे वालिद साहब ने ये कहा कि अब किसी और लोगों को चांस दो, तुम आगे इंशाल्लाह लड़ लेना और आगे इंशाल्लाह जीतोगे, तुम इस बार भी जीतोगे आगे, तो मुझे इस चीज़ में कोई भी वो नहीं है, गुरेज नहीं है, मैं इस बार लड़ूंगा इंशाल्लाह और पूर्ण बहुमत से जीतूंगा। तो आप इस बार के इलेक्शन में क्या कहना चाहते हैं, जैसे कि काफ़ी उम्मीदवार हैं, शानू साहब की उम्मीदवार, उम्मीदवारी की नहीं होती, उम्मीदवार हर किसी का राइट है, कोई भी लड़ सकता है। शानू साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत बेहतरीन आदमी है, एक ही मोहल्ले में आप दोनों रहते हैं, मैं बता रहा हूँ कि लोग तो एक घर से भी लड़ जाते हैं, दो भाई भी लड़ जाते हैं, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अधिकार है, कोई भी लोकतंत्र में अधिकार है, पब्लिक को क्या आप संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से? मैं ये कहना चाहूंगा महबूब इंशाल्लाह सबके साथ है, सबका विकास करेगा और बेहतरीन मतों साथ जिताएगी। लास्ट क्वेश्चन है, जो पेंडेमिक चल रहा है, ये लास्ट जो लहर आई है उसके बारे में, उसमें आपकी क्या सपोर्ट है पब्लिक के लिए बताइए? नहीं पब्लिक को मैं ये चाहता हूँ कि पब्लिक ज्यादा इसमें पेंडेमिक में जो है थोड़ा सा अपना क्या अपने अपने हाथ सवाल में आप ऐसे डॉक्टर को बिठा रहे हैं जो कुछ फ्री आप वो करवाएं वैक्सीन? देखिए इंशाल्लाह मैंने अभी काम स्टार्ट किया, मैंने कुछ आधार कार्ड बनवाने शुरू करे, लोगों के छोटे छोटे कामों पे शुरू कर रहा हूँ, अभी टाइम है 9 महीने हैं, तो मैं और भी काम करूँगा इंशाल्लाह, लेकिन मैं स्लो प्रोसेस से चल रहा हूँ, अल्लाह इंशाल्लाह मेरे साथ। महबूब भाई आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद और इंशाल्लाह आप जो हैं करें इसमें इलेक्शन में और आपको उज्जवल भविष्य के लिए राजनीति में बहुत बहुत शुक्रिया भाई, भाई आपने अपना कीमती वक्त निकाला, तो दोस्तों ये शुक्रिया भाई, उबैद भाई शुक्रिया।